नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आखिर क्यों उतरे युवा बेरोजगार सड़कों पर, तमंचे पर डिस्को करते युवकों पर कैसे पुलिस ने लगाई लगाम। आखिर क्यों कोटा चुनाव के लिए मिल रही है तारीख पर तारीख, जानेंगे इन सब खबरों के बारे में। लेकिन रुख करते हैं बुलेटिन की सबसे बड़ी खबर का, जहां डिप्टी सीएम ने केजरीवाल सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधा है। गोंडा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गोंडा का दौरा किया। निरीक्षण और बैठकों के बाद पत्रकारों से डिप्टी सीएम ने बातचीत की। बातचीत के दौरान ब्रजेश पाठक ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली की सरकार भ्रष्टाचार के दलदल में फंसी है, साथ ही जनता से किए वादों पर केजरीवाल सरकार फेल हुई है। केजरीवाल सरकार घोटालों से घिरी हुई है, उन्होंने अपनी टीम को तैयार किया है और अकास्ट भ्रष्टाचार में डूबे हुए नजर आते हैं। दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी। साथ ही कांग्रेस पर भी डिप्टी सीएम ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का इंटरनल सिस्टम खराब है, कांग्रेस को देश की चिंता नहीं। साथ ही ब्रजेश पाठक ने मेडिकल कॉलेज के निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी जाहिर की है। गोंडा का चतुर्मुखी विकास हो, गोंडा अव्वल दर्जे पर आए, नंबर एक के दर्जे पर आए, श्रेणी नंबर एक पर आए विकास के मामले में, इस प्रकार की बिंदुवार हम लोगों ने समीक्षा की है और सभी अधिकारियों से अलग अलग बात किया है। हमारे पास चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, गोंडा जनपद के सभी निवासियों को उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसके लिए हम कृत संकल्प हैं। इसके लिए हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ साथ सबसे बैठक भी की है। गोंडा देवीपाटन मंडल के कमिश्नर महोदय से भी कहा है कि सभी अस्पतालों का वो निरीक्षण करें और समय पर चिकित्सक बैठे, लोगों को दवाइयां मिले, इस प्रकार के निर्देश हमने दिए। चल एक अस्पताल हम गए थे, वो केंद्र में ताला बंद था, उस पर हमने कार्रवाई के लिए कहा है, आज कार्रवाई होगी और सभी चिकित्सक समय से बैठे, उनका कार्य व्यवहार अच्छा हो, दवाइयां शासन के पास पूरी उपलब्ध है, लोगों को निःशुल्क दवाइयां मिले, जांचे हों, इसके लिए सभी चिकित्सा अधिकारियों को हमने कहा है और हर स्थिति में हम गोंडा जनपद के सभी मरीजों को निःशुल्क इलाज देने के लिए कृतसंकल्प हैं। हापुड़ के पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र के नया गांव के जंगलों में एक युवक ने खुद को तमंचे से गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक पर आरोप था कि वह मेरठ के हस्तनापुर में हुई गर्भवती महिला और उसके बेटे की हत्या में शामिल था। मेरठ पुलिस मामले की जांच कर रही थी कि इसी बीच आरोपी ने गांव के जंगल में जाकर खुद को गोली मार ली। घटना के परिजनों का बुरा हाल है। घटना के बाद से पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। आगरा के सेया थाना क्षेत्र के पार्वती नदी राजस्थान बॉर्डर के पास कच्ची शराब बनाने की सूचना मिलने पर छापेमारी की गई। छापेमारी में पुलिस को 200 लीटर कच्ची शराब और 500 लीटर जहरीली शराब बरामद हुई है। साथ ही बड़ी मात्रा में शराब बनाने का सामान भी पुलिस ने मौके से बरामद किया। वहीं जहरीली शराब बनाने वाली भट्टी से मिले 500 लीटर लहन को पुलिस ने मौके पर ही नष्ट कर दिया। साथ ही मामले से जुड़े अपराधियों को पकड़ने में जुटी हुई है। थाना सैया में सामंतपुरा गांव क्षेत्र है, ये पार्वती नदी के किनारे राजस्थान बॉर्डर पे है। यहाँ मुखबिर की सूचना मिली थी जिस पर कि यहाँ पर कच्ची शराब बन रही है पार्वती नदी के किनारे पर। इस सूचना पे थाना अध्यक्ष, थाना प्रभारी और मेरे द्वारा तत्काल पुलिस की रेड दी गई और यहाँ पर हमें बड़ी मात्रा में लगभग 200 लीटर कच्ची शराब मौके से हमने बरामद की और 100 लीटर लगभग जो मटकों में थी वो रात के अंधेरे में उठाने में टूट गई, जो मौके पर ही नष्ट फैल गई और नष्ट हो गई। 100 लीटर कच्ची शराब हमने सुरक्षित बरामद की है। इसके अलावा लगभग 500 लीटर से अधिक लहान मौके पर नष्ट किया गया है और बड़ी मात्रा में यहाँ से सामान, भगोना और ड्रम और काफ़ी चीज़ें हमने बरामद की हैं। आसपास के क्षेत्र में हम दबिश हमारी दबिश जारी है। रायबरेली के कोरस गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब संतोष यादव नामक युवक दूध लेने जा रहा था, तभी उन्हें गांव के रामेंद्र, धीरेंद्र और तीन अज्ञात लोगों ने मामूली बात को लेकर गोलियों से भून दिया, जिससे युवक के हाथ और पैर में गोली लगी है। वह घटना की सूचना पाकर पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ घायल युवक का इलाज जारी है। घटना को लेकर गाँव में पुलिस बल तैनात किया गया है। ये संतोष यादव नाम के व्यक्ति हैं, कोड़ोरा बुजुर्ग के थाना मलेरिया के, उनका ये आरोप है। अभी वो जिला अस्पताल में उपचार करा रहे हैं। उनका ये आरोप है कि वो जब दूध लेने के लिए अपने मित्र के साथ जा रहे थे मोटरसाइकिल पे, तो एक वैगन आर से चार लोगों ने आकर के उन पर टक्कर मारी और उसमें दो को पहचानते हैं, उन्हीं के गाँव के हैं जिनसे उनका रास्ते का विवाद चल रहा है। उनका कहना है कि उन्होंने टक्कर मार के जब मैं गिर गया तो उन्होंने मुझे बहुत पीटा और गोलियाँ चलाईं और उनको, उनका कहना है कि उनके गोलियाँ भी लगी हैं और उसके बाद वो भाग गए।
मौके पर पुलिस तैनात है और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। सहारनपुर में अवैध खनन कारोबारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बाद भी अवैध खनन रुकने का नाम नहीं ले रहा। देर रात ज्वाइंट मजिस्ट्रेट प्रणांत ऐश्वर्य द्वारा खनन से भरी गाड़ियों की चेकिंग करते हुए दो डंपर बिना रॉयल्टी प्रपत्रों के पकड़कर दाखिल कर दिए गए हैं और खनन विभाग को रिपोर्ट भेज दी गई है। अवैध खनन के खिलाफ देर रात हुई इस कार्रवाई से अवैध खनन कारोबारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। सहारनपुर में किसान यूनियन से जुड़े किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन डीएम के माध्यम से राज्यपाल के नाम भेजा है, जिसमें किसानों ने कहा कि किसानों के गन्ने का भुगतान न होने की वजह से किसान भुखमरी की कगार पर आ गए हैं और उनके बच्चों की स्कूल फीस, खाद, दवाई, बीज की व्यवस्था करना किसान के लिए मुश्किल हो गया है। ज्ञापन देने वालों में किसान यूनियन से जुड़े कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद नजर आए। हमारा ये मामला है कि एक तो गन्ना भुगतान नहीं हो पा रहा है। सरकार ने वादा किया था कि 14 दिन में हम गन्ना पेमिट कर देंगे और पिछले सत्र का भी पूरा नहीं हुआ, अगला सत्र शुरू चलने वाला है और फरवरी तक का, आधी फरवरी तक का हमारे पास पेमिट पहुंचा है किसानों के पास। पेमिट की वजह से किसानों को इतनी दिक्कत हो रही है, बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, बिजली के बिल नहीं भर पा रहे हैं और किसान भूखमरी की कगार पर है, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो चुका है। और दूसरा हमारा पहलू है कि दूसरी हमारी मांग है, जो हमारा एक शुगर मिल है साकुमरी टोडरपुर मिल, वो नहीं चल पा रहा है जी, काफ़ी दिनों से बंद है, उसकी मांग को लेके हम यहाँ पहुँचे हैं। और जो ट्वेल्लों पे मीटर लग रहे हैं बिजली के, सरकार ने वादा किया था कि किसानों की हम जो खेत की बिजली है वो मुफ्त देंगे बिल्कुल, उसके बावजूद फिर भी मीटर लगाए जा रहे हैं। बुलंदशहर में थाना गुलावटी के कोतवाल जितेंद्र कुमार सिंह ने तीन आरोपियों को चोरी की 8 रिक्शा, लगभग 1.5 किलो गांजा, 500 नशीली गोली और अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया। अभियुक्त शातिर किस्म के रिक्शा चोर हैं, जो रिक्शा चालक को नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश करके उनकी रिक्शा चोरी कर ले जाते हैं और उनकी नंबर प्लेट को हटा देते हैं, जिससे उनकी पहचान न हो सके। फिलहाल तीनों अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक गुलावटी थाने पे मुकदमा कायम हुआ था जिसमें ई रिक्शा चोरी किया गया था, उसको कुछ नशीला पदार्थ खिला करके उसके सूचना पर गुलावटी पुलिस सक्रिय हुई। इन्होंने उसकी छानबीन की, उसमें तीन व्यक्तियों का नाम प्रकाश में आया, एक समीर है, एक कलुआ है, एक इकराम है। इसमें से दो मेरठ के रहने वाले हैं। इन लोगों द्वारा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर में घूम घूम करके इस तरह की घटनाएँ की जा रही थी। इनके पास से पूछताछ के दौरान 8 ई रिक्शा, 1 किलो गांजा, 400 ग्राम गांजा, कुछ नशीली गोलियां, चाकू, बैटरी, एक बैटरी मिली है जो सयाना में घटना हुई थी उससे संबंधित है। प्रदेश के छात्र छात्रों को अध्ययन करने में सुविधा एवं इस तकनीकी युग में नई तकनीक अपनाकर जीवन को सफल बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन टैबलेट का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में बुलंदशहर के डीएवी पीजी कॉलेज में टैबलेट वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देवरिया के बेतालपुर ब्लॉक क्षेत्र के अंतर्गत सिरजम देई में गुरुवार को कोटे का चुनाव का डेट सुनिश्चित हुआ था, लेकिन अधिकारियों को लापरवाही से आज भी कोटे का चुनाव निरस्त हो गया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि 3 बार से अधिकारी चुनाव को टाल देते हैं, लेकिन चुनाव पूरा नहीं हो रहा। ग्राम सभा में आज 1/9/2022 को बैठक होनी थी, जिसके लिए लेटर, सचिव, थाने सब उपलब्ध करा दिया गया था। अभी तक मुझे संज्ञान में 12 बजे तक यही था कि हमारे यहाँ बैठक संपूर्ण कराई जाएगी, लेकिन 12:30 बजे मुझे सूचना मिलती है कि सचिव मेडिकल पे चले गए हैं, एडीओ पंचायत मेडिकल पे चले गए हैं, एक ड्यूटी लगी थी नन्हे सिंह जिनके द्वारा फ़ोन नहीं उठाया जाए। मेरे द्वारा खंड विकास अधिकारी से वार्ता की गई, खंड विकास अधिकारी ने कहा कि जब सचिव ही नहीं रहेंगे तो बैठक कैसे होगी। और मैं इस बैठक से, हमारी ग्राम सभा की जनता परेशान हो चुकी है, क्योंकि यह बैठक पहली बार 9/6/2022 को रखी गई थी, उसके बाद कोरम ना पूरा होने की वजह से वो बैठक टाल दी गई। इसके बाद बैठक 30/6/2022 को रखी गई, किसी कारण वो भी बैठक टाल दी गई। उसके बाद बैठक 20/8/2022 को रखी गई, ये भी बैठक टाल दी गई। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ आखिर ये क्या हो रहा है, लोग अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हैं।
पीलीभीत के डालचंद मोहल्ले में भाजपा महिला कार्यकर्ता के मकान पर दबंग ने कब्जा कर लिया। दबंग युवक का परिवार मकान का ताला तोड़कर घर में घुस गए। भाजपा महिला कार्यकर्ता ने बताया कि वो अपनी बीमार माँ को देखने गई थी, जिस दौरान मकान के ताले तोड़कर दबंग युवक और उसका परिवार घर में घुस गए। उन्होंने बताया कि जब उनके पति जिंदा थे तो उन्होंने घर किराए पर दबंग परिवार को दिया था। 1 जनवरी 2022 को पति की मौत के बाद महिला ने मकान खाली करवा दिया। बीते 8 महीने से महिला अपनी बेटी के साथ उसी घर में रह रही है। पीड़ित महिला थाने और अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। सर, मेरा घर डालचंद मोहल्ले में है और मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं। मैं विडो हूँ उनकी और मेरे घर में मैं बरेली में थी क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी। मैं वहाँ से चली गई थी। नरेंद्र शर्मा मेरे मकान में घर छोड़ के चला गया था। वो मेरे मकान में नहीं रहता था और वो राहुल नाई के मकान में ये पहले मेरे यहाँ किराए पे रहा था। सर ये मुश्किल से 10-11 साल रहा और ये जो दिखाता वो झूठा दिखाता है। सर सारे बयान इसके झूठे हैं। जब मेरा हस्बैंड आया है 2021 में तब नरेंद्र शर्मा ने ये बात क्यों नहीं की जब इसने लिख के दिया था कि मैंने मकान मालिक से कोई रुपया नहीं लिया है, कोई रजिस्ट्री नहीं करवाई है, तब नरेंद्र शर्मा ने क्यों नहीं ये वाली बात बोली। हरदोई के शहर कोतवाली इलाके के मोहल्ला आवास विकास कॉलोनी में एक निलंबित दारोगा के द्वारा नशे में मारपीट हंगामा करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मोहल्लेवासियों ने दारोगा से मकान खाली कराए जाने की मांग को लेकर एसपी को शिकायती पत्र दिया। सीओ सिटी ने बताया कि पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। पुलिस लाइन में तैनात निलंबित दारोगा के पी सिंह अपने परिवार के साथ किराए के मकान में रहते हैं। दारोगा अक्सर नशे में रहता था और इसी कारण कई बार इसके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। एक दरोगा है केपी सिंह जो पहले से निलंबित चल रहे हैं पुलिस लाइन से, उनका एक वीडियो वायरल हुआ है दारू के नशे में उत्पात मचा रहे हैं और अब तहरीर मिलने के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारी समस्या ये है कि हमारे पड़ोस में D-277 में आवास विकास कॉलोनी में एक केपी सिंह नाम के दरोगा रहते हैं। वो सस्पेंड चल रहे हैं। वो नग्न अवस्था में मोहल्ले में जा रहे प्रत्येक दरवाजे पर खड़बड़ाते हैं, खड़ाते हैं और उसके बाद आप शब्द कहते हैं, पैसा मांगते हैं और जो कोई पैसा नहीं देता है तो गालियां देते हैं। आप तो मार धार पे उतारू हो गए हैं। अब कम से कम 200 बार पुलिस आ चुकी है और वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। उनका परिवार भी साथ देने लगा है कि उनको मार धार कराने में सहयोग करते हैं। कल एक लड़का यहाँ खड़ा हुआ था, उसको मारा पीटा है तो हम पुलिस अधीक्षक के पास गए थे और उनसे हमने कहा कि अनुरोध किया कि हम लोगों मोहल्ले वालों को रहने दिया जाए, सुरक्षा दी जाए और इनको यहाँ निकलवाया जाए। हमारा मोहल्ला आवास विकास डी ब्लॉक कॉलोनी में एक SI साहब हैं KP सिंह, कृष्ण प्रताप सिंह, किराए से रहते हैं अरविंद कुमार सिंह के मकान में। वो आए दिन ड्रिंक करके अर्धनग्न अवस्था में घरों में घुसना, सबको गाली गलौज करना, जो गेट पे खड़ा मिल जाए उसको खींच के मारना, बहुत ही अभद्रता से पूरे मोहल्ले में सबसे पेश आते हैं। तो ऐसे ही हमारे पड़ोस में एक भैया खड़े हुए थे, उनको कल खींच के रोड पे मारने लगे पूरे परिवार के साथ। और उनकी जो वाइफ है वो जैसे ही प्रशासन आता है वो पलट जाती है, सबको गाली गलौज खुद करने लगती है, बाकी वो बेचारी बन जाती है और कुछ भी आरोप वो लगा सकती है मोहल्ले वालों पर। हरदोई के डड़ियावा थाना क्षेत्र में एक प्रेमी युगल की खुदकुशी का मामला सामने आया। दोनों हरियावा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस घटना से परिजनों में कोहराम मच गया। SP ने बताया कि एक सुसाइड नोट भी मिला है। पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। औरैया में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें 3 युवक एक बाइक पर बैठे हुए हैं। इसके साथ ही एक युवक बाइक पर बैठे बैठे 315 बोर का तमंचा हाथों में लिए है और एक फिल्मी गाने पर इंस्टाग्राम रील्स बनाते नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद SP ने तत्काल एक्शन लिया है। संबंधित थानाध्यक्ष को कार्रवाई के आदेश देते हुए लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पूरे मामले को लेकर औरैया SP चारू निगम ने बताया कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 3 युवा एक बाइक पर बैठे हैं और एक युवा पीछे से 315 बोर का तमंचा लहरा रहा है, जिसके बाद इस वीडियो की पुष्टि करने के लिए संबंधित थाने के थानाध्यक्ष को सूचित किया गया जिसमें उन्होंने तीनों लोगों की गिरफ्तारी कर ली है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक युवक जो है वो तमंचा लिए नजर आ रहा है बाइक पर। क्या थाना एरवा कटरा का मामला है ये।
वीडियो वायरल हुआ था, जिसके संबंध में मेरे द्वारा थाना अध्यक्ष को सीओ साहब को निर्देशित किया गया था टीम्स बनाकर इसमें जो अभियुक्त है उसकी तस्दीक किया गया कौन है, उसकी टीम बना के सर्च किया गया। तो 315 बोर के तमंचे के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार करके अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित है। और अब खबर उत्तरकाशी के बाढ़कोट से, जहां यूके एसएससी पेपर धांधली प्रकरण मामले में बेरोजगार संघ के बैनर तले युवा बेरोजगार बाढ़कोट नगर में एकजुट होकर ढोलनगाड़ों के साथ प्रदर्शन करते हुए नजर आए, जिसमें क्षेत्र के सभी बेरोजगार युवा और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया गया। साथ ही नारे लगाते हुए तहसील कार्यालय में उपजिलाधिकारी बाढ़कोट को संबंधित मामले की सीबीआई जांच के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को ज्ञापन दिया गया है। साथ ही इस मामले में युवाओं का कहना है कि कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए, वरना आंदोलन और बड़ा हो सकता है। हमारी सिर्फ युवा ये महारानी है, सिर्फ उत्तराखंड सरकार धामी सरकार से अनुरोध करना चाहती है कि आप यदि चाहते हो कि प्रदेश को 2025 तक भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो इसका सिर्फ एक ही विकल्प है, आप माननीय नरेंद्र मोदी सरकार को सीबीआई जांच की सब्सिडी भेजें और प्रदेश के बेरोजगारों के साथ जो ये आपके प्रदेश में चल रही तमाम प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें चल रही धांधलियां और विधानसभा के अंदर जो आपके मंत्रियों के द्वारा ये तमाम भ्रष्टाचार अपने भाई भतीजावाद रिश्तेदारों को लगाए, फौज को लगाया जा रहा है, प्रदेश की बेरोजगारों के ऊपर बैठा कर धाका लगाया जा रहा है। और हमारा कहना है कि उत्तराखंड सरकार जैसे कि धामी और नरेंद्र मोदी तुम जागो, और जो ये धांधली चल रही है, ये रिश्वतबाजी चल रही है, इसको बंद कराओ। हमारा कहना यही है कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि हमारे युवाओं के साथ उत्तराखंड सरकार बहुत धोखाबाजी कर रही है, जो कि होना नहीं चाहिए था। पढ़ने वाले बच्चे गरीब बच्चे पीछे रह जा रहे हैं। आज बड़कोट तहसील के युवाओं ने जो विशेष तौर पर बेरोजगार है उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है, जिसको उचित माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पेश किया जा रहा है। खटीमा में उत्तराखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर आंदोलनकारियों पर हुए गोलीकांड के 28वीं बरसी के अवसर पर नवनिर्मित शहीद पार्क में शहीदों की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट सहित क्षेत्र के सैकड़ों राज्य आंदोलनकारी और स्थानीय जनता ने प्रतिभाग किया। इस मौके पर शहीदों के परिजनों को शौर्य उड़ाकर मुख्यमंत्री अजय भट्ट ने सम्मानित किया। वे प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण शहीदों की इच्छा के अनुरूप किया जाए, इसको लेकर राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं खटीमा विधानसभा से कांग्रेस के विधायक भुवन कापड़ी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य होना चाहिए कि आंदोलनकारियों को उनका हक दिलाया जाए और भ्रष्टाचार खत्म हो। राज्य उत्तराखंड के शहीद अमर रहे हैं, अपनी जवानी की, अपनी जिंदगानी की, उनकी शहादत के इस अवसर पर शहीदों की शहीदी के कारण ही जो उन्होंने शहादत दी है, उसी की वजह से आज ये उत्तराखंड राज्य हमें प्राप्त हुआ है। सच कहें तो इसकी शुरुआत यहीं से हुई। खटीमा एक किस्म से प्रारंभ करने वाला हमारा नगर रहा है, जहां से शहीदों ने जगह जगह शहादत दी। 2 तारीख को मसूरी में, रामपुर चौराहे में जगह जगह होता रहा है, और उनके लिए जो भी किया जाना है उनके परिवारों के लिए हमारी सरकार सब कुछ कर रही है, उनकी चिंता हम सबको है। जो 253 आंदोलनकारी लगातार संघर्ष कर रहे हैं और वही आधार होते हैं जो अन्य आंदोलन से चिन्हित हुए, तो उन्होंने घोषणा करके उनको यहाँ से चिन्हित करके उनको जो है कि अधिकार देने का काम करना चाहिए। ये निवेदन में भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग यहाँ बैठे हमारे इस उत्तराखंड का सपना तभी साकार हो पाएगा, उस आंदोलनकारियों का सपना तभी साकार हो पाएगा जो आज भ्रष्टाचार लगातार चरम पर है, जो आपके सामने नजर आ रहा है कि भ्रष्टाचार खत्म होगा। लगातार हो रहे घोटालों में निष्पक्ष जांच और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे के द्वारा अपने परिवार के लोगों को सरकारी विभागों में नौकरी दिलाए जाने को लेकर सोशल मीडिया में चर्चा के बारे में निष्पक्ष जांच एवं दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर पूर्व गदरपुर पंतनगर के विधायक प्रेमानंद महाजन ने एक प्रेस वार्ता की। इस दौरान महाजन ने कहा कि अपने परिवार अपने चहेतों को सरकारी नौकरियां दिलाना भाजपा सरकार कर रही है, जिसमें प्रदेश के बेरोजगारों के साथ अन्याय किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका निष्पक्ष सीबीआई और ईडी के द्वारा जाँच होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही मुखर है। ये जो यूपीएससी का जो घोटाला हुआ है, तब से कांग्रेस पार्टी मुखर है। इस विषय में हमारे आप इसी से ही समझ जाओ कि हमारे जो
पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने भी इस विषय में बोला है और पूरे नेशनल मीडिया में छपा है। आज हमारे प्रभारी जी बोल रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे हैं, प्रेमानंद महाजन जैसे सैकड़ों बोल रहे हैं, हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं, हम लोग आने वाले समय में यदि ये नहीं हुआ तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने में कहीं भी किसी कोताही नहीं करें। जो भी हमें लोकतंत्र जो लोकतंत्र में के तहत हमें जो अधिकार मिले हुए हैं विपक्ष को, वो सारे हथियार हम लोग हथियारों का उपयोग करेंगे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया के साथ।